फ्रेंड्स, मेरा पहला आउटफिट आप देख सकते हो, इतना कलरफुल है और मैंने इसको मतलब ज्यादा ही ऐसा डिसेंट ही रखा, इतना भी ज्यादा ओवर नहीं रखा। इसमें मैंने पहनी, मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने स्कर्ट सिलवाई थी, तो ये काफी ज्यादा फ्लेयर वाली स्कर्ट है, मतलब डांस वांस करने के लिए सच में बहुत ज्यादा अच्छी है और ये कलरफुल है, तो इसको बहुत सारे तरीके से स्टाइल कर सकते। इसके ऊपर भी एक ब्लाउज है बट मैंने वो ना पहन के, क्योंकि हम डांडिया आउटफिट क्रिएट कर रहे थे, इसलिए मैंने ये जो ब्लाउज पहना है तो इसमें बहुत सारा मिरर वर्क है, ये मैंने मीशो से मंगाया था, एंड बेस्ट ब्लाउज, मैं सच्ची बता रही हूँ। तो ये मैंने पहना है। साथ में देखिए मैंने कलरफुल बैंगल्स पहन लिए हैं इसके, और ये मैंने खुद ही हैंडमेड बनाए हैं पुरानी चूड़ियों से, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, सारा कुछ एकदम मैच हो रहा है। साथ में मैंने पहना है अपना बनाया हुआ मिरर वाला चोकर, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। इसको मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग वाला नहीं पहना यहाँ पे, और इसके इयररिंग्स भी बहुत लाइट वाले, पूरा दिन भी पहनोगे ना कुछ भी पता नहीं चलने वाला, इतना अच्छा ही है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये DIY किया है अपने हेयर एक्सेसरी, एंड इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और छन छन की जो आवाज़ आ रही है उसकी तो बात ही अलग है, ठीक है। तो मैंने ये भी इसके साथ पहना है। साथ में मैंने अपने थोड़े बालों को ऊपर की तरफ किया है, ताकि ना थोड़ी एक हाइट भी इंक्रीज होती है, और आप गर्मी में अगर डांडिया वांडिया करो तो वो अच्छा भी दिखता है, मज़ेदार था। साथ में मैंने पेयर किया है ये दुपट्टा, ये भी किसी और ड्रेस का है, और मुझे दुपट्टा लाइट वेट चाहिए था, हैवी नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैंने, क्योंकि मेरा मिरर वर्क है, ये सारी चीज़ें आके ना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो मैंने दुपट्टा एकदम लाइट वेट रखा है। और आप, मैंने यहाँ पे बिंदियाँ लगाई हैं ब्लैक, उससे काजल से, आप ये परमानेंट मार्कर से लगाओगे ना तो गर्मी में कुछ भी दिक्कत नहीं है। और मैंने अपने आईज़ का भी थोड़ा अच्छा सा मेकअप किया है, आप देख सकते हो, मैंने स्टिकर वाली बिंदी लगाई है, और ये चिपक नहीं रही थी, क्योंकि देखो गर्मी है तो थोड़ा बहुत चिपकना मुश्किल होता है, क्या करो ना, एक पहले थोड़ा सा एक ड्रॉप नेल पॉलिश का लगा लो और उसके ऊपर मैंने ये स्टिकर लगा दिया, और अब घंटे तक ये चिपका रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हो मेरा पूरा होल आउटफिट, आप देखो, अभी मैंने कुछ नीचे अपने स्लीपर्स वगैरह नहीं पहने, पर आप देख सकते हो कलरफुल लुक फॉर द गरबा डांडिया आप क्रिएट कर सकते हो अपने ही वॉर्डरोब से। तो फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा लुक है जिसमें मैंने इंडो वेस्टर्न लुक लिया है, और आप देख सकते हो ब्लैक विथ सिल्वर ज्वेलरी मैंने इसको पेयर किया है। और नीचे से स्टार्ट करते हैं, मैंने बूट्स पहने हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैच कर रहा था, और जीन्स के साथ मैंने ये पोलका डॉट्स वाली साड़ी पहनी, बहुत ही लाइट वेट, आप देख सकते हो इट्स वेरी लाइट वेट, अगर हम इसमें डांस भी करें तो बहुत आसान हो जाएगा, लाइक दिस आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको टकिंग किया प्लीट्स बनाकर सिंपली, और यहाँ पे सारे प्लीट्स को गैदर करके मैंने यहाँ पर पिन लगा लिया, देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने पूरी की पूरी, ये देखेंगे, मैंने मीशो से मंगाया था ये बहुत पहले, इवन ये तो मैंने किसी मार्केट से लिया था, ये मैंने खुद बना रखा है, एंड विथ बिग झुमकास, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो मैंने नोज पिन पहनी है मैंने बहुत दिनों से ले रखी थी, और अब मुझे पहनने का मौका मिला है इसको, आई एम लविंग इट। तो साथ में मैंने अपने हेयर को टाई किया है, यहाँ पे मैंने एक बन सा बना लिया है छोटा सा, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट लुक भी आए, हमेशा जुड़ा में नहीं रह सकते ना, तो इस तरीके से मैंने ये लुक क्रिएट किया है, और आप लोग बताओ कैसा लग रहा है, सच्ची बता रही हूँ मैं, इट्स सो फ्री। फ्रेंड्स देखिए, मैंने बेल्ट भी पेयर किया है, ताकि ना एक फिनिशिंग सा लुक आ जाए, मतलब ऐसा ना लगे कि ये साड़ी हमने पहन रखी है, इसलिए मैंने ये किया है। और बिंदी तो आप देख सकते हो, मैंने बड़ी चंकी सी बिंदी लगाई है, बड़ी सी, वो भी लाइनर से लगाई है मैंने, मार्कर से भी लगा सकते हैं, तो ये बहुत ही प्यारा वाला लुक आया है, सच्ची बता रही हूँ, इट्स सो फ्रीडम वाला ना लुक, गरबा डांडिया के लिए बहुत ही बेस्ट लुक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरा थर्ड लुक है जिसमें मैंने कच्ची वर्क का एक लहंगा पहना है, और इसके ब्लाउज को मैंने सब्स्टिट्यूट किया है अपने एक स्ट्रेचेबल ब्लाउज से, क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा पेयर हो रहा था, क्योंकि उस जो भी इसका जो ब्लाउज है ना वो बहुत हाई नेक है, तो आप ज्वेलरी पेयर नहीं कर सकते हो इतनी ज़्यादा। ये मेरी हैंडमेड ज्वेलरी आप देख सकते हो, मैंने ब्लैक कलर में बनाई है, और साथ में इसके जो इयररिंग्स हैं वो मैंने अलग पहने, और जो मैंने गले के साथ जो इयररिंग्स बनाए हैं वो मैंने एज अ मांग टीका पहन लिया, आप देख सकते हो, एंड ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्रिटी, आप देख सकते हो। साथ ही मैंने पहना है अपना मल्टी कलर रिंग, इसको तो बहुत सारी चीज़ों के साथ पेयर कर सकते हो, और मैंने बनाया है हैंड कप, इट्स सो कलरफुल विथ मिरर वर्क, एंड टैसल्स भी बनाए मैंने। साथ में मैंने बनाया है एक प्यारा सा मल्टी कलर बेल्ट, और इसको मैंने बहुत सारे कलर्स के साथ बनाया है, ताकि हम इसे बहुत सारी चीज़ों के साथ पेयर कर सकें, और कॉरी शेल्स इसमें लगे हुए हैं,
एंड इट्स सो 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 ब्यूटीफुल। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको इतनी सारी जो भी मैंने ज्वेलरी बनाई उसमें से कौन सी ज्वेलरी सबसे दी बेस्ट लगी है। और आप देख सकते हो पूरा का पूरा लुक मैंने बन बनाया है अपना छोटा सा, क्योंकि इसके साथ यही अच्छा लग रहा था। एंड ये डालिया परफेक्ट लुक है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरा फोर्थ लुक है और ये है बिल्कुल इंडो वेस्टर्न लुक जो आप देख सकते हो। तो मैंने पहना है अपना ये ब्रेसलेट, तो मैंने इसको इस तरीके से पहना ना कि ये पूरा मेरा हाथ कवर हो जा रहा है। साथ में मैंने बहुत छोटी छोटी सी रिंग्स पहनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं पहनी है। मैंने पहना है बड़ा वाला मेरा चोकर जो कि है ब्लैक मेटल, एंड साथ में मैंने बनाई है एक छोटी सी चुटिया क्योंकि मेरी इतनी बन सकती थी। मैंने कुछ ऐड ऑन नहीं किया, मैंने सोचा मेरे को ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें। अपने बालों को थोड़ा पफ किया है मैंने और यहाँ पे अपने इयररिंग्स को ही मैंने इस तरीके से मांग टीके के जैसे पहन लिया है। और मैंने पहना अपना नोज पिन, साथ में मैंने ना ये क्रॉप टॉप जैसा है, साथ में मैंने जीन्स पहना है, आप देख सकते हो। एंड इट्स परफेक्ट इंडो वेस्टर्न लुक। ये मेरा फिफ्थ लुक है और ये भी बहुत सिंपल लुक है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास लहंगा चोली और ये सारी ड्रेसेस नहीं है, तो आप शरारा को भी इस तरीके से स्टाइल कर सकते हो। मेरा ये जो शरारा है इसमें गोल्डन वर्क ज्यादा है और इसी वजह से मैंने पेयर किया है अपना गोल्डन वाला थोड़ा सा इयररिंग्स। ये बहुत लॉन्ग इयर्स है, इयररिंग्स है और ये मेरे हैंडमेड है आपको पता ही है। और साथ में मैंने एक चोकर भी पहना है, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लग रहा था, वैसे थोड़ा सा ओवरली लुक है ये। साथ में मैंने पहनी है अपनी कलरफुल इयररिंग्स, कलरफुल बैंगल्स और मैंने दुपट्टे को ये देखिए इस तरीके से सिंपली यहाँ पे टक इन करा है, इसको लाकर ना यहाँ पे टक इन कर लिया है। लॉन्ग दुपट्टा है ये वैसे, और शरारा के साथ भी आप नवरात्रि लुक क्रिएट कर सकते हो। फ्रेंड्स ये है मेरा सिक्स्थ लुक और आप देख सकते हो मैंने ये वाला लुक जो रखा है ऐसे लोगों के लिए रखा है जिनको ज़्यादा कुछ भी पहनना पसंद नहीं है। क्योंकि देखो यार, जब हम नवरात्रि में जाते हैं बहुत सारी गर्मी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है साथ में, तो ये मैंने रखा है बिल्कुल ही बेसिक वाला लुक। तो ये जो स्कर्ट है ये बिल्कुल बेसिक है, कॉटन की स्कर्ट है और साथ में मैंने कॉटन का ही टॉप भी पहना है, मीशो का टॉप है। एंड गर्मी के लिए बहुत ही सुंदर है। बस ये है कि मैंने इसको एक्सेसराइज किया है अपनी बनाई हुई ज्वेलरी के साथ, तो ज्वेलरी के साथ नवरात्रि वाला लुक बिल्कुल ही आ जाता है। इसमें मिरर वर्क है और मैंने हाथ में भी ब्लू कलर पहना है। ब्लू और पिंक का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही प्यारा लगता है। साथ में बस एक प्यारी सी छोटी सी बिंदी एंड बाल मैंने खुले ही रखे हैं। एंड ये देखिए कितना प्यारा वाला लुक है। और इसमें मैंने दुपट्टा नहीं कैरी किया क्योंकि इसके साथ ज़रूरत ही नहीं है, इतना अच्छा लग रहा है ये।